हाई एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही ट्रेडिशनल और ऑथेंटिक रेसिपी है, विच इज़ दाल बाफले की रेसिपी। एंड ये रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स आपको आपके घर पर इजीली अवेलेबल मिलेंगे, बट जो इसके फ्लेवर्स निकल के आते हैं ना, दैट इज़ जस्ट अमेजिंग। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस रेसिपी। सबसे पहले बाफले की प्रिपरेशन करते हैं। तो यहाँ मैंने इस कप से 3 कप गेहूं का जो आटा होता है वो लिया हुआ है। अब क्योंकि बाफले का जो आटा होता है ना, वो बहुत दरदरा सा होता है और नॉर्मली उसके लिए लोग मोटा आटा पिसवाते हैं, गेहूं को पिसवाते हैं, तो मैंने इसलिए यहाँ पर 1/2 कप सूजी भी ऐड कर दिया है ताकि आटा हमारा थोड़ा दरदरा हो जाए। अब मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून अजवाइन और इसको इस तरीके से हम क्रश करके इसमें डाल देंगे। इससे फ्लेवर्स इसके बहुत अच्छे निकल करके आते हैं। एंड देन उसके बाद डाल रही हूँ 1 टीस्पून ऑफ ज़ीरा, देन सॉल्ट एज पर द टेस्ट, एंड देन जस्ट ये 1/4 टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा डाला हुआ है, विच इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल, बट डालेंगे तो थोड़ा अच्छा ही इसका रिजल्ट आता है। तो बस अब इनको सारा हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, एंड वील मेक श्योर कि सारे इन्ग्रीडियंट्स आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो अगर मेजरमेंट से बताऊं, जो गेहूं का आटा है वो करीब 450 ग्राम के लगभग होगा। अब यहाँ पर सेंटर में एक वेल बना लेंगे और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ 1/4 कप ऑफ मेल्टेड घी। ये अपना देसी घी है एंड प्लीज़ आई वुड सजेस्ट कि इस रेसिपी के लिए आप देसी घी का ही यूज़ करें, इसको ऑयल से रिप्लेस मत करिएगा क्योंकि इसका टेस्ट इसी में ही आएगा। तो अभी इसको हम हाथों से बिल्कुल अच्छे से आपस में मिक्स कर लेंगे। ये अभी हम और घी यूज़ करेंगे, बट अभी इस फॉर स्टार्ट मैंने सिर्फ 1/4 कप ही मैंने यूज़ किया हुआ है इसमें। और अब हम देख सकते हैं कि आटा जो है हमारा बिल्कुल क्रम्बली हो गया, पर अभी भी ये बंध नहीं रहा, एक लड्डू की तरह नहीं बंध रहा है। तो वापस यहाँ पर मैंने सेंटर में वेल बना लिया है और बाकी का 1/4 घी भी, जो कप घी है वो मैं इसमें डाल दूंगी। तो टोटल मैंने 1/2 कप घी का इसमें यूज़ किया हुआ है। और बहुत से लोग हो सकता है कि बोले कि घी बहुत ज़्यादा जा रहा है या जो भी है, बट अपनी जो बेसिक जो ट्रेडिशनल रेसिपीज़ होती है ना, उनमें हम ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते। वो रेसिपीज़ जिस तरीके से बनती हैं हमें बिल्कुल उसी तरीके से उनको बनाना है, तभी उसमें उसका टेस्ट आएगा। तो अब आप देख रहे होंगे कि घी बिल्कुल अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है एंड अब ये बिल्कुल एक लड्डू इसका फॉर्म हो सकता है। तो अब मैं यहाँ पर धीरे धीरे करके इसमें मैं पानी डालूँगी और इसका आटा एक अच्छे से डो बना लेंगे, जो हमारा सेमी सॉफ्ट सा होगा। हार्ड नहीं रखना है, ना बहुत ज़्यादा इसको सॉफ्ट भी नहीं रखना है। तो बाय द एंड जब मैं ये डो हमारा बन जाएगा तो मैं बताऊंगी कि टोटल मैंने इसमें कितना पानी यूज़ किया हुआ है। तो यह आटा रेडी हो गया हमारा और इस आटे को नीट करने के लिए टोटल मुझे 1.5 कप पानी की ज़रूरत पड़ी है। जिस कप से मैंने आटे को मेजर किया था उसी कप से मैंने 1.5 पानी लिया है, 1.5 कप। एंड स्टिल मैं बोलूँगी कि पानी का जो रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करेगा आपके आटे के ऊपर, क्योंकि किसी किसी के यहाँ मार्केट का रेडीमेड जो पैकेट का आटा होता है वो यूज़ करते हैं, वो थोड़ा सा फाइन होता है, और किसी के यहाँ गेहूँ से पिसवा करके यूज़ करते हैं तो वो वाला थोड़ा सा कोर्स होता है। बट स्टिल 1.5 कप से ज़्यादा, अगर ज़्यादा कोर्स आटा भी है तो भी ज़्यादा उससे नहीं यूज़ होगा। तो बस अब इस तरीके से हमें इसे थोड़ा सा स्मूथ कर लेना है और करीब 1/2 आवर के लिए इसको ढक करके हम छोड़ देंगे ताकि यह आटा बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। तो अभी आप आटा देख सकते हैं कि कैसा सॉफ्ट है ये आटा, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है एंड बहुत ज़्यादा वाला भी सॉफ्ट नहीं है। बस अब इसे 1/2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं और करते हैं हमारे दाल की प्रिपरेशन। तो
दाल के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1/4 कप ऑफ छिलके वाली जो हरी मूंग की दाल आती है वो मैंने यहाँ पर ली हुई है, हरी छिलके वाली। इसके साथ डालेंगे 1/4 कप ऑफ चने की दाल, 1/4 कप धुली उड़द की दाल, 1/4 कप ऑफ तुअर की दाल या जो अरहर की दाल होती है वो। एंड दाल बनाने की सबकी अपनी अपनी रेसिपीज़ होती हैं, बट ये मेरी रेसिपी है। अगर आपके पास जो मसूर की दाल जो ऑरेंज वाली होती है विदाउट छिलके वाली अगर वो हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट दाल को मैंने धो करके एक प्रेशर कुकर में रख लिया है और उसमें मैं डाल रही हूँ पानी। ध्यान में रखेंगे कि दाल ये थोड़ी गाढ़ी ही बनती है तो बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालना है, अपने हिसाब से डालिएगा। एंड नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ऑफ हल्दी पाउडर, 2 इलायची मैंने यहाँ पर हरी ली हुई है और 3 लौंग ली हुई है, इसको भी इसमें डाल देंगे, 1/4 टीस्पून ऑफ हींग या फिर आप कह सकते हैं 2 चुटकी हींग के। एंड इसको बंद करके हम गैस पर प्रेशर कुक होने के लिए रख देंगे। अब दाल हमारी चढ़ चुकी है और करते बाफले के प्रिपरेशन। तो मैंने पानी रख दिया था बॉयल होने के लिए, जब तक पानी बॉयल हो रहा है हम बाफले रेडी कर लेते हैं और इसको इस तरीके से हम राउंड एकदम बॉल्स बना लेंगे। जो बाफले हैं वो मीडियम साइज़ के बनाएंगे, बहुत ज़्यादा भी बड़े नहीं रखने क्योंकि ये पानी में बॉयल होने के बाद ये हल्के से फूल जाते हैं, इनका साइज़ जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। और बस इस तरीके से सेंटर में पिंच कर लेंगे। बॉल अगर स्मूथ नहीं भी बन रही है तो भी कोई टेंशन नहीं क्योंकि इसमें मोइन काफ़ी ज़्यादा है तो बॉल का जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा इसी तरीके से रहेगा। इस तरीके से मैंने सारे पाफले बना करके रेडी कर लिए हैं और अब चलते हैं इनको बॉयल करने के प्रोसेस में। तो पानी में आप देख सकते हैं कि बॉयल बिल्कुल आ गया है और बॉयल आने के बाद हमको बाफले को डालना है। अभी ये बाफले नीचे जाके बैठ जाएंगे बट जैसे जैसे ये कुक होंगे वैसे वैसे ये ऊपर आते जाएंगे और फ्लोट करेंगे। तो इस तरीके से एक एक करके हम सारे पाफले डाल देंगे, ध्यान से डालेंगे। पानी का जो बॉयल है वो हमें ख़त्म नहीं होने देना है इसलिए मैं एक एक करके ही डाल रही हूँ आराम से। और जब ये सारे बाफले इसमें पड़ जाएंगे और पानी में एक बॉयल आ जाएगा, अभी मैंने जो फ्लेम था वो मीडियम से हाई के बीच में रखा हुआ था और बॉयल आने के बाद इस फ्लेम को मैं बिल्कुल लो कर दूंगी और एक किसी भी कैप से इसको ढक दीजिएगा और लो फ्लेम पर करीब 15 मिनट इसको हमको बॉयल होने देना है अच्छे से। अगर फ्लेम को हम हाई रखेंगे तो वो ऊपर से तो कुक हो जाएंगे पर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आफ्टर 15 मिनट्स आप देख सकते हैं कि सारे बाफले ऊपर आ गए हैं और साथ ही साथ इनका जो साइज़ है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया है। तो बस इस तरीके से हल्का सा हम इन्हें प्रेस करते जाएंगे और जो ये बाफले हैं वो खुद ही टर्न हो जाएंगे और 5 मिनट कवर करके हम इन्हें और थोड़ा सा बॉयल होने देंगे। आफ्टर 5 मिनट्स बाफले हमारे रेडी हैं और इसको हम स्ट्रेन करके बिल्कुल अच्छे से पानी निकाल देंगे और इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये सारे पाफले मैंने निकाले, अब इनको बिल्कुल हमें ठंडा हो जाने देना है। ठंडा होने तक हम पहले दाल का हम देख लेते हैं। यहाँ पर दाल बिल्कुल रेडी, आप देख सकते हैं कि दाल थोड़ी सी बिल्कुल ऐसा नहीं कि घुल गई है, अच्छी सी दाल बनी हुई है। अब इसके तड़के की प्रिपरेशन के लिए मैं यूज़ करूँगी 2 टेबल स्पून यहाँ पर देसी घी एंड 1/4 टीस्पून ऑफ हींग, 1.5 टीस्पून ऑफ ज़ीरा एंड 3 से 4 जो लाल मिर्ची है खड़ी वो उसको हम डालेंगे इसमें और बस इसका ये रेडी है। गैस को कर देंगे ऑफ और 1 सेकेंड के लिए वेट करेंगे। 1 सेकेंड के बाद मैं यहाँ पर 3/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ और इस तड़के को हम इसमें डाल के तुरंत ढक्कन को बंद करेंगे इस तरीके से ताकि जो उसकी खुशबू है वो उसी के अंदर रहे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। जब भी आप लाल मिर्ची का पाउडर यूज़ करें तड़के के लिए हमेशा गैस ऑफ होने के 1 सेकेंड के बाद ही आप डालिएगा, अदरवाइज़ वो मिर्ची पाउडर क्या होता है वो जल के काला पड़ जाता है। और अभी आप देख सकते हैं कि ये रेड है
तो इसको मैंने हरी धनिया से गार्निश किया है और बंद करके रख देंगे ताकि दाल हमारी गर्म बनी रहे। अब नेक्स्ट हमें करना है बाफलो को सॉटे, तो उसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून ऑफ अगेन देसी घी ही डाला है और उसमें इन बाफलो को इस तरीके से हम रख देंगे और कवर करके इसको 2 मिनट एक साइड से कुक होने देंगे। कवर मैंने इसलिए किया है क्योंकि ऊपर की इसे जो लेयर है वो थोड़ी क्रिस्पी हो जाएगी लेकिन अंदर से जो बाफले हैं वो सॉफ्ट बने रहेंगे। तो बस ये 2 मिनट हो गए हैं, अब हम इन्हें दूसरी तरफ टर्न कर देंगे इस तरीके से और इसी तरीके से हमें ढक करके इसको कम से कम 3 से 4 बार या जब तक कि हमें डिज़ायर्ड कलर जो है वो नहीं मिल जाए तब तक हम इसे कुक करते रहेंगे। वापस से मैंने इसको ओपन कर लिया है और दूसरी तरफ से भी ये बिल्कुल अच्छे से हो गए हैं कुक और आप देख सकते हैं कि घी ऐसा नहीं कि हमने जितना डाला इन्होंने सारा एब्जॉर्ब कर लिया है, जितना क्रिस्पी होने के लिए चाहिए था उतना ही दिया है एंड अभी भी इतने घी में मैं दूसरे शिफ्ट के भी मैं बाफले को सौते कर सकती हूँ या शैलो फ्राई कर सकती हूँ। और बस अब इन्हें निकालेंगे और आप कलर तो इनका देख ही सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा आया है। तो बस अब इनको इस तरीके से ड्रेन करके निकाल लेते हैं। अभी बाफले सारे रेडी हैं एंड बहुत ही ज़्यादा गर्म है ये, मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं ये बाहर से एंड कलर इसमें बहुत अच्छा आया है। अगर कहीं से सौते नहीं हो पाए तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑब्वियसली ये जब बॉयल हुए थे तो ये अच्छे से कुक हो चुके अंदर तक एंड मैं आपको क्रश करके दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल इसका टेक्सचर है, इस तरीके से ऊपर से क्रिस्पी और जो मैं बात कर रही थी ना ये देखिए अंदर से कितने फ्लेकी हैं। एक और करके दिखाती हूँ। तो इसी तरीके से बाफलो को क्रश करके सर्व किया जाता है एंड बहुत सारे जो हिम्मत वाले लोग होते हैं वो इसके ऊपर भी घी डाल करके खाते हैं। आई कैन नॉट डू दैट, तो मेरे लिए तो ये इतना ही सफिशेंट है बट डेफिनेटली ऊपर से घी डाल करके और अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करें तो इसमें और थोड़ा सा देसी घी ऊपर से ड्रिजल कीजिएगा एंड फिर इसको खाइएगा दाल के साथ। एंड इसको मैंने बिल्कुल ट्रेडिशनल फॉर्म में सर्व किया, थोड़े से वेनेगर, सिरके वाले प्याज और हरी मिर्च है। गाढ़ी सी दाल है ये हमारे पास, बहुत ही यमी लग रही है। एंड देन नेक्स्ट यहाँ पर है टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची, हरी धनिया की ये ट्रेडिशनल एक ये भी चटनी है एंड उसके बाद ये हरी धनिया और पुदीने की चटनी है एंड इसके साथ हम इसको खाएंगे। एंड दिखने में ये थाली लग रही है ना बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक ट्रेडिशनल, बहुत ही ज़्यादा यमी सी। तो इसकी एक अच्छी सी बाइट ले लेती हूँ पहले मैं, फिर आगे बढ़ती हूँ। एंड आई होप कि आप लोगों को भी देख के बहुत मज़ेदार लग रहा होगा। नाउ टाइम फॉर अ बिग शाउट आउट, मेरी प्रीवियस रेसिपी रसगुल्ले की थी तो उसमें से बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ने ट्राई किया है और मुझे अपनी पिक्स सेंड किए हैं फॉर विच लाइक आई एम रियली हैप्पी। तो आप लोग भी इसी तरीके से कर सकते हैं एंड अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई है देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन यू मोस्ट वेलकम, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो या टिल देन स्टे ब्लेस्ड, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप हेल्पिंग अदर्स एंड या टिल देन बाय बाय फ्रॉम मी।